दोस्तों अक्सर ये समस्या देखी जाती है कि लोगों हमारे पौधों में जो है फल फूल नहीं बनते हैं, या फिर पौधों की ग्रोथ कम हो जाती है, या फिर जो कलियां बन रही हैं वो फूल नहीं बन पाती, फल नहीं बन पाती हैं। तो ये समस्या अक्सर हो जाती है, और कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कोई भी कंपोस्ट अवेलेबल नहीं होता है, या फिर हम उसे मार्केट से ले आने में थोड़ा लेट हो जाते हैं या नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो में आपको घर पर रखी हुई बेकार चीज़ों से कंपोस्ट बना के और इसको इंस्टेंटली यूज करके दिखाऊंगा, जो कि आपको तत्काल मिल जाएंगी और तत्काल आप अपने पौधों को उसे बना के दे सकते हैं। तो वीडियो में आखिर तक बने रहें, कोई पार्ट स्किप मत कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। दोस्तों ये गाय के गोबर से बना हुआ कंडा है। ये कंडा किसी भी मतलब गाय के गोबर से या भैंस के गोबर किसी से भी बना हो सकता है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों ये कंडा आपको अगर गांव में रहते हैं या आपके आसपास कोई दूध वाले हैं, भैंस पाल रखे हैं, गाय पाल रखे हैं, तो वहाँ आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा, नहीं तो अब ये अमेजन या मार्केट में भी अवेलेबल होने लगा है। तो इस प्रकार से आपको कंडा मिल सकता है, कंडा नहीं मिलता है आपको गाय के गोबर की खाद मिल जाए उसको यूज कर सकते हैं। इंस्टेंट कैसे उसको हम यूज करेंगे और उससे कैसे पौधों को लाभ मिलेगा वो मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। अभी मैं आपको इसके बारे में कुछ चीज़ें बता दूं कि गाय के गोबर को जो हम यूज करते हैं वो कम से कम, जो हम मैन्योर यूज करते हैं वो कम से कम एक साल पुरानी होनी चाहिए, जिससे कि वो अच्छे से डीकम्पोस्ट हो जाए। क्या होता है दोस्तों, जो गाय का ताज़ा गोबर होता है उसमें मीथेन गैस होती है, जो कि पौधों के लिए हानिकारक होती है। तो गैस ये इसको पुराना इसीलिए करते हैं क्योंकि इसमें से जो गैस है वो प्रॉपरली निकल जाए, तो पौधों को कोई नुकसान ना पहुंचे। अब दोस्तों अगर आप ज़्यादा पुरानी ये कंडा जो है, या फिर नॉर्मल आप गाय के गोबर को ले आते हैं, तो उसे कम से कम अच्छे से 10 दिन धूप में काफ़ी अच्छे से सुखा लीजिए। धूप में काफ़ी अच्छे से सुखाने से उसमें जितने भी गैस, जो भी गैस पार्टिकल्स होती हैं वो निकल जाती हैं और कंडा यूज करने के लिए अवेलेबल हो जाता है, लायक हो जाता है। तो इस प्रकार से देखिए, कम अगर आपके पास पुरानी गाय के गोबर की कंडा है या खाद है तो आप उसे यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप ताजे गाय के गोबर को भी 10 दिन कम से कम अच्छे से धूप में सुखा लें, अच्छे से ड्राई हो जाए, उसके बाद आप उसको यूज कर सकते हैं। यूज कैसे करना है मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए, ये मेरा मग है जिसमें हमने इस प्रकार से एक कंडे को तोड़ के 1 लीटर पानी में इसे डाल दिया है, 2 दिन के लिए रख के छोड़ दिया है। 2 दिन में मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए काफ़ी अच्छे से इसमें ये गीला हो गया है, और जितने भी इसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, खास करके नाइट्रोजन, और इसके अलावा 80 से 85% इसमें और ज़्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो कि इस पानी में डिजॉल्व हो गए हैं। गाय के गोबर में नाइट्रोजन की मात्रा काफ़ी अच्छी मात्रा में होती है, तो ये इसलिए पौधे की जो रुकी ग्रोथ है या जो फ्लॉरिंग या फ्रूटिंग स्टेज पे पौधा नहीं पहुंच पा रहा है उसमें काफ़ी सहायक होती है। तो इस प्रकार देखिए, ये जो गाय के कंडे को हमने इसमें भिगा रखा था, 2 दिन बाद इसका कलर आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे से इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स आ चुके हैं। आपके पास कोई भी कंपोस्ट नहीं है, आप इसको कंडे को पानी में भिगा के 2 दिन के लिए छोड़ दीजिए, और अपने सभी पौधों में जिसकी ग्रोथ रुक गई है, जिनमें फ्लावरिंग या फ्रूटिंग नहीं हो रही है, उसमें आप इसे यूज कर सकते हैं। अब इसको यूज करने का जो तरीका होता है दोस्तों, ये 1 लीटर पानी है, इसको हम 1 लीटर और पानी में मिक्स कर देंगे इस लिक्विड को। ये देखिए, इसको हम इसमें मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद उन सभी पौधों में, चाहे वो फल वाला पौधा हो, फूल वाला पौधा हो, या सब्जियों का पौधा हो, जिसकी आप सब्जियों में भी अक्सर होता है कि उनमें फ्लावरिंग तो होती है पर फल नहीं बन पाते हैं, तो जैसे ये फूल बने हैं, फल बन रहे हैं, और कई जैसे यहाँ मैं दिखाऊंगा आपको, देखिए इधर फूल बन रहे हैं, अगर ये फ्लावर आपके ड्रॉप हो जाते हैं, इसमें फल नहीं बन रहा है, तो उसके लिए भी आप इस कंपोस्ट को यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन के साथ साथ इसमें फास्फोरस भी और ढेर सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं, कई सारे मिनरल्स होते हैं जो इस गाय के गोबर में मिलते हैं, वो सारा इस पानी में निकल आता है, तो इसे हम यूज कर सकते हैं। यूज करने के लिए देखिए, पहले जो हम लिक्विड कंपोस्ट जब भी यूज करें, मिट्टी पूरी तरह से ड्राई नहीं होनी चाहिए, हल्की मिट्टी नम होनी चाहिए, और इसकी हमें कर लेनी है गुड़ाई इस प्रकार से। देखिए, इसको हमने मिट्टी ऊपर से हल्की कर लेनी है, और जितने भी आपके फल या फूल वाले गमले हैं सभी में सेम, चाहे वो सर्दियों का फूल हो या सब्जी हो, सब में आप इसे दे सकते हैं, और इसका लाभ आपको देखने को उसमें मिलेगा। तो ये देखिए, इस प्रकार से हमने इसमें गुड़ाई करके
इन पौधों में हमने इस खाद को दे दिया है। अब बारी आती है दोस्तों, ये जो हमने कंडा इसमें से भीगने के बाद निकाला था, इसे भी हम यूज करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो कंडा हमने उसमें से भीगा हुआ निकाला था, इसको आप हल्का सा हाथों से प्रेस करेंगे, ये कंडा काफी अच्छे से टूट जाएगा और इस प्रकार से ये आपकी गाय की गोबर की खाद जो आप मार्केट से लेके आते हैं, इसको इस तरह से तोड़ लेने के बाद सुखा के और कुछ दिन तक अगर आप इसे धूप में सुखा के स्टोर करना चाहें तो स्टोर कर सकते हैं, अन्यथा आप अभी डायरेक्ट देना चाहते हैं तो इस कंडे को, इस गोबर को डायरेक्ट भी आप अपने पौधों में दे सकते हैं। इसका एक और प्रयोग आप कर सकते हैं, इसको मल्चिंग के रूप में आप अपने गमलों में डाल सकते हैं, जिससे कि आप उसमें वाटरिंग करेंगे तो मिट्टी बाहर नहीं आती है और जो डायरेक्ट सनलाइट होती है उससे भी मिट्टी बचती है। फिलहाल सर्दियों का मौसम है तो आप इसे कंपोस्ट के तौर पे अपने किसी भी गमले में गाय के गोबर की खाद के रूप में यूज कर सकते हैं, जिसमें कि आपको ग्रोथ कम दिखाई दे रही हो, जिसमें फ्लावरिंग या फ्रूटिंग लेट हो रही हो, उसमें आप इसे यूज कीजिए। आपको उस लिक्विड कंपोस्ट के साथ इसे यूज करना है, आपको 100% रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई, जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।